हेलो साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सभी को वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों एक बार फिर से अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चल रही है। आपने आज सुबह वाली सारी क्लासों का खूब इंजॉय करके आपने पढ़ा होगा। अगर सुबह वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले ज़रूर देखिए कि दोस्तों तीनों की तीनों क्लासें आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास अपनी है इंडिया जीके की, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाम को। दोस्तों ये इसका टाइम रेगुलर तो नहीं चलेगी, लेकिन दोस्तों मेरी कोशिश करूँगा कि ये रिकॉर्डेड करके आपके लिए डाल सकूँ रोज़ाना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किया था, किसके लिए किया था? दोस्तों एक बार थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ पेन वगैरह। किसके लिए? हरिजनों के अधिकारों के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, हिंदू समाज की एकता बनाए रखना, एडिगो वृक्ष के समाधान की समस्या। किसके लिए दोस्तों गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। वो किया था आपके एडिगो वृक्ष की समस्या का समाधान करने के लिए। इसके गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध किया गया था? पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, पशुओं की हत्या, प्रदूषण में वृद्धि। किसके लिए किया गया था बिश्नोई आंदोलन इनमें से? जल्दी से बताइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों जल्दी से बता दो। वो किया गया था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? संयुक्त राष्ट्र, सॉरी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जनता परिवार, राष्ट्र परिवार। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ विच पॉलिटिकल ग्रुप? वो था आपके यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन चार्टिस्टिक्स ऑफ एन एक्सोटेरमिक रिएक्शन? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, और नन ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट, विकल्प सही नहीं है। जल्दी से बता दो दोस्तों। वो किया गया था रिलीज ऑफ हीट, उष्मा का उत्सर्जन करने की एक विशेषता है उष्माक्षेपी की प्रक्रिया के अंदर। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति नहीं होती? युगलिना, पेरामीसियम, गोन्युलेक्स, माइकोप्लाज्मा। विच अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्सेल वॉल, यानी किसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वह कौन सा है? वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। दोस्तों माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति सेल है वो नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दोस्तों डज नॉट हैव सेल वॉल माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? 1841, 1881, 1921, 1961। इंडिया इज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन इन विच ईयर? जनगणना अभियान वो चलता है 1881 दोस्तों, लॉर्ड किसके? रिपन के काल के अंदर चलता है ना। अगला, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, मिनिस्क, वियना, ब्यूनस आयरस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल? पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है?
पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के में मुख्य एक न्यायाधीश होता है और क्या होते दोस्तों, 9 अन्य न्यायाधीश, 11 अन्य न्यायाधीश, 15 अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जनरली द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड, यानी दोस्तों एक हाई कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, तो अन्य क्या दोस्तों, कौन निर्धारित वगैरह दोस्तों करेगा दोस्तों, अन्य 15 न्यायाधीश प्रत्येक हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, 15 अदर जजेज। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर चलती है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। हाउ मच लॉन्गिट्यूड डज द अर्थ मूव इन हावर, यानी एक घंटे के अंदर कितना देशांतर पृथ्वी चलती है दोस्तों। डायरेक्ट अगर मैथ के स्टूडेंट हो दोस्तों, 360 डिग्री के अंदर दोस्तों कितना का भाग दे दो, 24 का। अब दोस्तों खुद को इतना पता होना चाहिए, फिर अगर 15 डिग्री दोस्तों। राज्य सूची में शामिल है 61 आइटम, 66, 47, 99। द स्टेट लिस्ट कंटेंट कितने शामिल, क्या कुछ है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। सभी के प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए दोस्तों, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। 61 दोस्तों सूची के शामिल है, 61। मर्दा जल तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, प्रकाशमिति, पायरोमीटर, स्क्राइमीटर, टेंसियोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सोइल वाटर टेंशन, कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, आप सभी बताइए। वो लिया जाता है टेंशियोमीटर दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ, सॉरी फोर्थ 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 ऑप्शन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, क्षेत्र दिल्ली का संदर्भ इसमें से मिलता है आर्टिकल 239 से, आर्टिकल 239 डबल ए, आर्टिकल 239 बी, आर्टिकल 239 डबल बी। द रेफरेंस टू द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज फाउंड इन, दो सौ उनचालीस डबल ए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, 2, 4, 6, 5। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों कितने वर्ष के लिए की जाती है, आपका 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस समुद्र कि किनारे स्थित है, काला सागर, लेटिन सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। बाकू द कैपिटल अजरबैजान इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सीज, बताओ। वह कैस्पियन सागर, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉरेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फॉरेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने में इसका तापमान क्या होगा, 93.3, 40 डिग्री, 99 डिग्री, 30 डिग्री।
द टेम्परेचर ऑन द फारेनहाइट स्केल इज 200 फारेनहाइट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑन द सेल्सियस स्केल? सेल्सियस स्केल जल्दी स्केल जल्दी से बताइए दोस्तों। लगभग में दोस्तों आपकी होगी 93। करनाल बट एक बीमारी है जो किस अनाज में पाई जाती है? चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। करनाल बाउट इज ए डिजीज विच फाउंड इन विच सर्कल? वो पाई जाती है गेहूं के अंदर, करनाल बीमारी है वो दोस्तों गेहूं के अंदर मिलती है। निम्न में से कौन सा मानव गुणसूत्र में सबसे छोटा है? गुणसूत्र 10, गुणसूत्र 16, गुणसूत्र 20, गुणसूत्र 21। इनमें से कौन सा गुणसूत्र है वो सबसे छोटा है? वो गुणसूत्र है 21। किस अंग में संरचना जैसी उंगली होती है जिसे विल्ली कहा जाता है? मूत्रा से, अमाशय से, छोटे अंत, बड़ी अंत। वो छोटी अंत दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है? टेक, यूकेलिप्टस, बरगद, नारियल। Which one the following is a fast growing tree? वो हो जाएगा यूकेलिप्टस। What is used as a sowing agent in the preparation of soft drink? शीतल पेय की तैयारी में sowing agent के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? फॉस्फोरस अमल, फॉस्फोरस फॉस्फोरस अमल, फॉस्फोरस अमल दोस्तों दोनों सेम ही क्यों? बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अनुसार। बेजोइक अमल और फॉस्फोरिक है यानी फिलोस्फोरिक अमल। वो दोस्तों फिलोस्फोरिक फॉस्फोरिक अमल दोस्तों सही है। परमाणु संख्या 102 के अनुसार रासायनिक तत्व किसके नाम पर है? चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इसाक न्यूटन। वह है अपने अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। समुद्री धाराएं एक उदाहरण है स्वयं का, चालन का, अवरोधन का, विकिरण का। यह हो जाएगा आपका स्वयं का, कन्वेंशन का। से पहली रेलवे लाइन 1853 में कहां से यातायात के लिए खुली दोस्तों? नागपुर से पुणे, बंबई से ठाणे, बंबई से पुणे, पुणे से ठाणे। वो खुलती आपकी बंबई से लेकर ठाणे के बीच में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मद्रास के मोजार्ट के रूप में लोकप्रिय कौन है? इलैयाराजा, अनिरुद्ध रविचंद्र, एम आर रहमान, भारद्वाज। वो अपने ए आर रहमान। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, दांत ताम चीनी से बनी होती है, अमल द्वारा खराब होती है जैसे दांत सड़ जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट,
सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट। वीडियो को दोस्तों अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, हम आपके लिए हर वक्त आपके तत्पर खड़े दोस्तों, हर चीज़ को समझाने के लिए हर वक्त है आपके साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक यू।